हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस के बारे में। ये बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस के बारे में और पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये सब्सटेंसेस सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल दोनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, या फिर यूं कहें कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में ये प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं किस किस में? वैक्यूल्स में, सेल वॉल में। इसके अलावा ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं, प्रोटोप्लाज्म के जो घटक हैं, उनके साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। आगे हम देखते हैं एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस के टाइप्स। प्लांट में कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है रिजर्व मटेरियल्स, सेकंड है सिक्रेटरी मटेरियल, थर्ड है एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स। आज हम बात करेंगे रिजर्व मटेरियल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं रिजर्व मटेरियल के बारे में। रिजर्व मटेरियल नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं, जो कि प्लांट न्यूट्रिशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये प्लांट फूड मैटर की तरह सर्व करते हैं, काम करते हैं, प्लांट्स के को फूड प्रोवाइड करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है नाइट्रोजिनस मैटर, थर्ड है फैट्स एंड ऑयल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, और इसमें भी तीनों में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, समान अनुपात में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाटर में होता है, पानी के मॉलिक्यूल में होता है। प्लांट्स में मुख्य रूप से चार प्रकार के कार्बोहाइड्रेट फूड मैटर होते हैं। पहला है शुगर, सेकंड है इनुलिन, थर्ड है स्टार्च ग्रेन, फोर्थ है ग्लाइकोजन। सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ेंगे वो है शुगर्स। शुगर्स सिंपलेस्ट सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट्स में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आगे। इसमें पहला है ग्लूकोज, जिसको ग्रेप शुगर कहा जाता है। ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनाया जाता है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सेकंड है फ्रुक्टोज, इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। ये कई फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। थर्ड है सुक्रोज और कैन शुगर, ये पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होता है किसमें? शुगर कैन में एंड बीट्स में। इसको
टेबल शुगर भी कहा जाता है। सेकंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो है इनुलिन। ये भी सोल्युबल कार्बोहाइड्रेट है और डहेलिया प्लांट की रूट ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस प्लांट की जो फैमिली है उसके कुछ प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इनुलिन के क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। ये इमेज डहेलिया के रूट ट्यूबर की है। थर्ड कार्बोहाइड्रेट हैं स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन कॉम्प्लेक्स प्लांट फूड होते हैं और ये यूनिवर्सली यानी कि सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं सभी प्लांट ग्रुप्स में विद द एक्सेप्शन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, यानी कि ये फंजाई एंड बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। जो स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा उनको बोलते हैं एसिमिलेटरी स्टार्च, जिनको कन्वर्ट कर दिया जाता है शुगर में। इसके अलावा जो रिजर्व स्टार्च ग्रेन्स होते हैं ये अमाइलोप्लास्ट के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च ग्रेन्स पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं किसमें, कोटिलिडन्स में, एंडोस्पर्म में, रूट्स में, अंडरग्राउंड स्टेम में एट्सेट्रा। स्टार्च ग्रेन्स वेरिंग शेप के हो सकते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं वेरिंग शेप के स्टार्च ग्रेन दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे आप कंसेंट्रिक शेप के हैं, ये कंपाउंड शेप के हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ कंपाउंड शेप में हैं, ये वाले स्टार्च ग्रेन एक्सेंट्रिक शेप के हैं और ये सिंपल। इस प्रकार से डिफरेंट शेप के ये हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इनसोल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टार्च की तरह। स्टार्च भी इनसोल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन यूजुअली फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन अबंडेंटली पर्याप्त मात्रा में एनिमल बॉडीज में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है रिजर्व मटेरियल की वो है नाइट्रोजिनस रिजर्व मटेरियल। ये मटेरियल केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा सल्फर एंड फॉस्फोरस भी हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा, यानी कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होते ही हैं, इनके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर एंड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल प्रोटीड्स एंड इनकी जो सिंपल सोल्युबल फॉर्म है वो क्या होती है, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीड्स प्लांट के कई पार्ट्स में कई भागों में प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एल्यूरॉन ग्रेन प्रोटीड, जिसको एल्यूरॉन ग्रेन कहा जाता है। ये एल्यूरॉन ग्रेन प्रोटीड
किस में प्रेजेंट होता है? कैस्टर ऑयल सीड के एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। प्रत्येक एल्यूरॉन ग्रेन राउंड शेप का होता है जो कि एनक्लोज करता है, कवर करता है किसको? एक क्रिस्टलाइन बॉडी को कवर करता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टेलोइड। इसके अलावा और किसको इनक्लोज करता है ये एल्यूरॉन ग्रेन? स्मॉल राउंडेड शेप स्ट्रक्चर को कवर करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबोइड। अभी हमने दो स्ट्रक्चर की बात करी, क्रिस्टलोइड एंड ग्लोबोइड, जिनको स्टार्च ग्रेन प्रोटीड कवर करता है। इन दोनों में से क्रिस्टलोइड जो है वही नाइट्रोजनस मैटर की कैटेगरी में आता है बेसिकली, क्योंकि ग्लोबोइड में डबल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीड ग्रेन सिंपल सोल्यूबल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एसिमिलेशन के लिए, और ये अमाइनो एसिड्स ट्रेवल करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग भागों में चले जाते हैं। प्रोटीड ग्रेन केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं। केमिकली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे ग्लाइडिन, ये वीट में प्रेजेंट होता है, गेहूं में प्रेजेंट होता है। इस इमेज में एल्यूरॉन ग्रेन्स दिखाए गए हैं कैस्टर ऑयल सीड में। यहाँ पे देखिए, अभी हमने बात करी थी एल्यूरॉन ग्रेन दो स्ट्रक्चर को इनक्लोज करते हैं, जिसमें से पहला ये दे रखा है क्रिस्टलोइड, दूसरा है ग्लोबोइड। आगे हम चर्चा करते हैं रिजर्व मटेरियल की थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो है फैट्स एंड ऑयल। ये भी इम्पॉर्टेंट एनर्जी गिविंग, एनर्जी प्रदान करने वाले रिजर्व मटेरियल होते हैं प्लांट्स में। कार्बोहाइड्रेट की तरह है ये भी, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स की तरह समान अनुपात में उपस्थित नहीं होते जैसे कि वाटर में होते हैं। वाटर में ये दोनों समान अनुपात में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मोर कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। फैट जो कि साधारण टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं उनको बोलते हैं ऑयल्स। ये कई सीड्स में, बीजों में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक कॉमन वेजिटेबल फैट पामिटिन का एग्जांपल दिया गया है, और इसका ये फॉर्मूला होता है C51H98O6। नेक्स्ट आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और ये आपका असाइनमेंट है। आगे के जो रिजर्व मटेरियल हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तीन टाइप के रिजर्व मटेरियल, दूसरा था सिक्रेटरी मटेरियल, तीसरा था वेस्ट प्रोडक्ट। तो सिक्रेटरी मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हम आगे के वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।